हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दो ऐसे योद्धा थे जो आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों ही कुंती के पुत्र तथा श्रेष्ठ धनुर्धर और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी थे। द्वापर युग और आज के समय में भी यह प्रश्न उठता है, दोनों में कौन था श्रेष्ठ योद्धा? यही जानने के लिए हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। यह सच है कि विराट युद्ध में अर्जुन ने समस्त कौरव सेना को अकेले ही हरा दिया था, लेकिन यह निर्णायक युद्ध नहीं था। इसमें अर्जुन ने सम्मोहन बाण, जिसे मोहिनी अस्त्र भी कहते हैं, दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था। यह भगवान विष्णु का अस्त्र है और अचूक है। इसके अलावा महाभारत युद्ध में कई ऐसी घटनाएं घटी जब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रधान सेनापति बनने पर कर्ण महाभारत युद्ध में शामिल हुए। इस दौरान कर्ण और अर्जुन कई बार आमने सामने आए, लेकिन फिर भी कर्ण ने अर्जुन के ऊपर देवराज इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग नहीं किया और अंत में वह शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग की। और एक समय कर्ण ने अपने बाणों से अर्जुन के एक हाथ को रस्से बांध दिया। सूर्यास्त होने वाला था। कर्ण के पास इतना समय था कि कर्ण का बाण अर्जुन का वध कर सकता था, लेकिन फिर भी कर्ण ने बाण नहीं चलाया। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्ण अर्जुन को मारना ही नहीं चाहते थे। यही नहीं, कर्ण ने अपने छोटे भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को भी जीवन दान दिया था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके विपरीत देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। इसके बाद भी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े। कर्ण ने जब अश्वसेन नाग के साथ बाण का प्रहार किया, कहीं कहीं अश्वसेन की जगह तक्षक नाग बताया गया है, तो अर्जुन पर उसकी काट न देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को जमीन में धसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के मुकुट में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचा लिए। फिर जब अर्जुन जमीन में धसे रथ को निकाल रहे थे, तब कर्ण ने 12 बाण अर्जुन पर चलाए, लेकिन सभी बाण भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अर्जुन को बचा लिया। ये भी भगवान श्री कृष्ण की चाल थी कि कर्ण को इंद्र से प्राप्त शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा थे। अगर ऐसा न होता तो अर्जुन ने कर्ण को उस समय क्यों मारा जब कर्ण नियत्ते थे और रथ का पहिया निकाल रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध के दौरान कर्ण की वीरता की प्रशंसा की थी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।